हेलो फ्रेंड्स, मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम ये डबल जिपर पाउच स्टिच करेंगे। इसको हम देखिए साइड से ओपन करेंगे और इसमें देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है। देखिए जिप से हम इसको लॉक करेंगे और सेकंड पॉकेट को भी ओपन कर लेंगे और इसमें भी देखिए उतनी ही स्पेस है। अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान दोनों पॉकेट्स में आप सेट करते हुए रख सकते हैं। ये पाउच देखिए साइड से ऐसा है, इस साइड से और इस साइड से। बहुत ही यूज़फुल पाउच है। इस पाउच को बच्चे बड़े सभी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपना कुछ भी सेट करते हुए रख सकते हैं। मल्टीपर्पज़ पाउच है ये फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा मल्टीपर्पज़ पाउच पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये पाउच स्टिच करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्क। पहले हम 1.5 बाय 11 का कुल्टेड पीस, 3 बाय 11 के टू प्लेन पीसेस और 11 इंच की टू जिप लेंगे और इसके ऊपर हम कुल्टेड पीस में देखिए जिप को रखेंगे। प्लेन पीस को जिप के ऊपर रखते हुए सीधे स्टिच करके अटैच कर देंगे। जिप और प्लेन पीस को हमने देखिए अटैच कर दिया है कुल्टेड पीस में और इसको हम देखिए बैक साइड में करते हुए इस साइड हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। दाब सिलाई देते हुए इस साइड हमने देखिए स्टिच कर लिया है और अब देखिए इसकी दूसरी साइड में हम कुल्टेड पीस की दूसरी साइड में दूसरी जिप को रखेंगे और दूसरे प्लेन पीस को लेते हुए स्टिच करके अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। इस साइड भी हमने देखिए जिप और प्लेन पीस को अटैच कर दिया है और अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम 10 बाय 11 का कुल्टेड पीस लेंगे और 3 बाय 11 के टू प्लेन पीसेस लेंगे और सिप को हम देखिए ऐसे ओपन कर लेंगे इसमें से एक पार्ट को दोनों साइडों से और एक साइड में हम 11 की साइड में इसको सिप को देखिए ऐसे रखेंगे। राइट साइड अंदर की साइड में होगा और प्लेन पीस को जिप के ऊपर रखते हुए दोनों साइडों से हम इसमें अटैच करेंगे कुल्टेड पीस में। दोनों साइडों से हमने देखिए अटैच कर दिया जिप और प्लेन पीस को और इसको भी हम देखिए बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे दोनों साइडों से। दाब सिलाई देते हुए हमने देखिए स्टिच कर लिया है और अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट लेंगे। दोनों जिप वाले पार्ट्स को बराबर में सेट करते हुए इसमें हम रनर डालेंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है और जिप को ओपन करते हुए फिर से हम इसमें रनर डालेंगे और ऐसे ही दूसरी जिप में भी हम रनर डालेंगे। इसमें भी हमने देखिए रनर डाल लिया है और इस कुल्टेड पीस की स्टिच लाइन को देखिए ऐसे मिलाते हुए हम सेट करेंगे और पिन अप कर लेंगे और दोनों साइडों से इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे और ऐसे ही हमें दूसरी साइड में भी मार्क करना है। तो दोनों स्टिच लाइन को देखिए ऐसे मिलाते हुए हमें पिन अप करना है और हमें सेंटर का मार्क करना है साइड से भी। पिन को हम ओपन करेंगे, दोनों साइडों से मार्क कर लिया हमने और अब देखिए इसको हम पलटकर बैक साइड में कर लेंगे। कुल्टेड पीस को हमने देखिए बैक साइड में कर लिया है। प्लेन पीसेस देखिए ऐसे सेट हो जाएंगे दोनों पॉकेट्स के और अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेंटर का मार्क किया है हमने कुल्टेड पीस में, इस मार्क को और इस मार्क को, दोनों मार्क को मिलाते हुए हम पिनअप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए सेट कर दिया है और अब देखिए जो प्लेन पीसेस हैं, प्लेन पीसेस को हम बराबर में सेट करेंगे और जिप वाली साइड में हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए ऐसे हम स्टिच कर लेंगे और एक साइड से हम यहाँ पर 3 इंच का गैप छोड़ते हुए ऐसे हम यहाँ से यहाँ तक स्टिच करके दोनों प्लेन पीसेस को हम अटैच करेंगे। जिप की साइड में हमें हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए स्टिच करना है प्लेन पीसेस को। ये देखिए साइड से हमें ऐसे टर्न कर लेना है और ऐसे इसमें भी हमें स्टिच करना है। थ्री इंच का गैप छोड़ते हुए हमने देखिए एक साइड से ऐसे स्टिच कर लिया है और एक साइड से ऐसे स्टिच कर लिया पूरा और देखिए इस साइड हमने हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए जिप की साइड में अटैच किया है प्लेन पीसेस को। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम 5 इंच की बेल्ट लेंगे और इसको हम फोल्ड करके सेंटर से कट कर लेंगे और इस बेल्ट को देखिए फोल्ड करते हुए सेंटर वाले पॉइंट पे देखिए पिन को हम ओपन करेंगे और जो सेंटर का कट लगाया था सेंटर में ऐसे रखते हुए इस बेल्ट को फोल्ड करते हुए इस साइड से अटैच करेंगे और ऐसे ही हम दूसरी साइड से अटैच कर देंगे।
दोनों साइडों से हमने देखिए इस बेल्ट को फोल्ड करते हुए अटैच कर दिया है। और अब देखिए जो हमने कट लगाया था इस पे हम बेल्ट के ऊपर ऐसे सेंटर का मार्क कर लेंगे चौक से। ये देखिए हमने मार्क कर लिया है और अब हम दोनों सेंटर वाले पॉइंट्स को मिलाते हुए इस साइड हम फिर से पिन अप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए सेट कर दिया है और अब देखिए प्लेन पीसेस को ऐसे हमें हटाते हुए ऐसे हमें सीधे स्टिच करना है और ऐसे इस साइड भी प्लेन पीसेस को ऐसे सेट करते हुए हमें दोनों साइडों से क्वोटेड पीसेस को अटैच करना है। क्वोटेड पीसेस को हमने देखिए दोनों साइडों से अटैच कर दिया है। देखिए प्लेन पीसेस को ऐसे हमें हटाते हुए स्टिच करना है और अब ये जो कॉर्नर्स है कॉर्नर्स पे हमें 1 इंच पे मार्क करना है। तो क्वोटेड पीस की जो स्टिच लाइन है उस साइड से हमें 1 इंच पे दोनों साइडों से ऐसे सेट करते हुए बॉक्स बनाना है और चारों कॉर्नर्स पे ऐसे हम मार्क करेंगे और प्लेन पीसेस में भी हम 1 इंच पे मार्क करके बॉक्स बना लेंगे। कॉर्नर्स पे हमने देखिए 1 इंच पे मार्क करके बॉक्स बना लिया है और अब देखिए प्लेन पीस को ओपन करके चारों कॉर्नर से ऐसे स्टिच कर लेंगे और ऐसे क्वोटेड पीस को देखिए ऐसे ओपन करते हुए कॉर्नर को ऐसे बराबर में सेट करते हुए चारों कॉर्नर्स पे हम स्टिच करके लॉक करेंगे। कॉर्नर्स को हमने देखिए स्टिच कर लिया है प्लेन पीस की साइड में और क्वोटेड पीस की साइड में और अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट्स को हमने देखिए कट कर लिया है और अब देखिए ये जो ओपन वाला पार्ट है प्लेन पीस का इस साइड से हम इसको पलट कर राइट साइड कर लेंगे। क्वोटेड पीस को राइट साइड कर लिया है और प्लेन पीस को देखिए अंदर की साइड में इसे फोल्ड करते हुए इस साइड से हम लॉक कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए लॉक कर दिया है और अब इसको हम पॉकेट में सेट कर लेंगे प्लेन पीस को। प्लेन पीस को हमने देखिए पॉकेट में सेट कर लिया है और अब हमारा ये पाउच बनके रेडी हो गया है। इसमें देखिए दोनों पॉकेट्स में काफ़ी स्पेस है। जिप से हम इसको लॉक करेंगे। ये देखिए कॉर्नर्स को ओपन करते हुए ऐसे में प्रेस करना है। बहुत ही यूजफुल पाउच है फ्रेंड्स। इस पाउच को बच्चे बड़े सभी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपना कुछ भी सेट करते हुए रख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा मल्टीपर्पज़ पाउच पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।